भारतीय जनता पार्टी को दमों में पहचान दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी को लगातार दमों विधानसभा से विजयश्री दिलाने वाले पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने आखिरकार भाजपा को अलविदा कह दिया है। भाजपा से निलंबन की मार झेल रहे सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कह दी और इस बात के बाद उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया। वहीं इस विषय पर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी का कहना है कि सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी में वापसी के लिए साल भर में कोई कोशिश नहीं की और पार्टी अपनी लाइन पर काम करती है, फिर कार्रवाई के दायरे में कोई भी आए। उन्होंने शेष कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी कि पार्टी लाइन से बाहर जाने वाले जो भी होंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। सिद्धार्थ के इस्तीफे के बाद नगरीय निकाय चुनाव में असर के सवाल पर पार्टी जिलाध्यक्ष का कहना है कि भाजपा जिले में मजबूत है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। जब दमोह में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उस दौरान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने 5 मंडल अध्यक्ष वो सिद्धार्थ मलैया का निलंबन किया था। उस दौरान से निलंबन चल रहा था तो निश्चित ही अभी उस निलंबन पर कोई भी प्रतिक्रिया प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की गई थी और वो अभी भी विचाराधीन थी। और ऐसे में जो आज मुझे सुनने में आया है कि इस्तीफा दिया गया है तो निश्चित ही पहले से जब पार्टी आप पर कार्रवाई कर ही रही थी तो उसमें पार्टी के द्वारा आपको पार्टी के पास कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखना था, कहीं भी कोई भी पक्ष शायद नहीं रखा गया और ख़ास तौर से मतलब जिला संगठन के पास कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है और क्यों और कैसे इस्तीफा दिया इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार यदि कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे और पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए पार्टी उनको पार्टी से निलंबन करने की भी कार्रवाई करेगी, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी अलग करेगी। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि पार्टी लाइन से चलें, पार्टी के साथ चलें, जिससे पार्टी को भी मजबूती प्रदान हो और आप भी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता बनकर रह सकें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने भी इस्तीफा दिया है, अभी तक केवल सोशल मीडिया पर दिया हुआ है। मैं आज क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो लगभग मैं सुबह 11 बजे से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अपने नगरी निकाय के कार्यक्रमों को लेकर। तो अभी तक ऐसा कोई भी आदमी अपने पास नहीं आया है जो यहाँ अपना इस्तीफा लेकर आया हो या पार्टी के प्रति रोष व्यक्त कर रहा हो। केवल सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है वो मैं अभी देख भी नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने पार्टी में लंबे समय तक काम किया है, पार्टी आपके साथ है, पार्टी में रहिए, पार्टी के साथ रहिए। और निश्चित ही ये जो सोशल मीडिया पर या कहीं और किसी अन्य माध्यम से आप जो ये इस्तीफों की पेशकश कर रहे हो, नगरीय निकाय चुनाव में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये तो वो लोग थे जिन्हें कभी ना कभी पार्टी से इधर उधर होना ही था और पार्टी लाइन से यदि चल रहे होते तो ये निलंबन जैसी कार्रवाइयाँ नहीं होती, बाकी गतिविधियाँ नहीं होती। इसलिए यह सब जो हुआ है वो प्री प्लान था कि हम चुनाव के दौरान करें, चुनाव में करें, लेकिन इससे पार्टी को कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी हाल ही में जो हमारे पूरे 39 वार्डों से बायोडाटा आए हैं, लगभग 400 के आसपास हमारे पास लोग अपने बायोडाटा पेश कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे वार्ड हैं जहाँ 20-20, 25-25 लोग अपने बायोडाटा लेकर के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी, हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे। और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीती है।